Hey guys, my name is Ankit and welcome back to Bavaga channel. Today is day 6 of our Kerala exploration और हम पहुंच चुके हैं मुन्नार. इतनी ज़्यादा फॉग है यहाँ पे, इतना बड़े लग रहा है. तो फटाफट मैं तुमको अपडेट दे दूँ. डे 6 हो गया. फक यार, हम कन्नूर लैंड करा, वायनाड कैंसिल करे, कन्नूर घूमा, फिर कोझीकोड गए, कोची गए, और दो दिन फोर्ट कोची में रुक के आज हम आ गए हैं मुन्नार. तो सुबह 5:30 की मेरी बस थी फ्रॉम वाइतला हब इन मेन सिटी कोची. मैंने कल शाम को ही एक BNB के पास में ऑटो स्टैंड है, तो मैंने वहीं से एक ऑटो भैया, ऑटो वाले भैया को बोल दिया था. बहुत स्वीट भैया थे वो. सुबह 4:45 मेरे को पिक करने आ गए. अच्छा, इससे पहले मैं आगे बोलूँ, ये जोस्टल का बोर्ड है यहाँ पे, दो रास्ते जा रहे हैं. मैंने अभी उनको कॉल करके कंफर्म करा, ये वाला रास्ता है. अच्छा, बैक टू अ स्टोरी. तो ऑटो वाले भैया ने मेरे को बस स्टैंड छोड़ा सुबह 5:30 बजे. मैंने लोकल बस ली, बट केरला बसेज आर नाइस. पीपल वर गुड, पीपल वर ओके, पीपल वर डिसेंट. एंड देन हम 8 बजे चाय के लिए रुके. एंड देन मैं आ गया इधर. जो बस स्टैंड है वहाँ से ये अराउंड 5 किलोमीटर पहले ही है. आई वॉज ट्रैकिंग ऑन मैप्स. एक नैरो रोड जा रही है वहीं पे. अगर आप केरला रोडवेज से आ रहे हो तो आप बस एक बेल बजा दो, वहाँ पे बेल होती है एंड वो आपको रास्ते में उतार देते हैं. तो मैं एकदम नैरो रोड के यहाँ उतर गया और अब मैं नीचे आ रहा हूँ. जोस्टल यहाँ से अराउंड 400 meters वॉक है, विच इज फाइन. मैं यहाँ पे अब 2 या 3 दिन हूँ. 2 दिन का बुक करा है, बट शायद मैं 3 दिन रुक जाऊँ अगर थोड़ा पीसफुल लग रहा है यहाँ पे. मैं सोच रहा हूँ LLP कैंसिल कर दूँ, क्योंकि मैंने LLP में कोई बुकिंग नहीं कराई है. बोटिंग के लिए वहाँ जाना था. वहाँ पे मज़ा तब आता है जब आप हाउस बोट पे रह रहे हो. हाउस बोट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर 1 पर्सन. 12-13 हज़ार रुपये पर नाइट सा, विच आई कैनॉट अफोर्ड राइट नाउ. माई वॉक इज बींग मेड कम्फर्टेबल थैंक्स टू द कैरी प्रो बैकपैक्स. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट देम इन ऑल माई केरला व्लॉग्स. दिस होबो बैकपैक यू मस्ट रिकॉग्नाइज फ्रॉम माई प्रीवियस व्लॉग्स, माई प्रीवियस ट्रैक्स. मैं ये पिछले 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ माई रिसेंट एडिशन होबो 25. आई एम कैरिंग 2 weeks वर्थ ऑफ माई केरला ट्रिप ऑन माई शोल्डर्स, विच इज़ अमेजिंग बिकॉज इट्स सो कम्फर्टेबल. मेरे को वेल लग रहा था कि छोटे पड़ेंगे, बट इट हैज़ सो मच स्पेस. मैंने कल फोर्ट कोची में रुक के इतना सारा सामान भी लिया, शॉपिंग भी करी, और फिर भी सारा सामान आ गया फिट. माई फ्रेंड्स ओवर देयर हैव मेड पॉसिबल अ 10% डिस्काउंट फॉर यू ऑल. सो इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस बैग दे ऑल्सो हैव अ डे बैग called Mojo, or my sling which I showed in the last vlogs, or their organizer which I used to organize my cables and everything. You can use my code BAVAPRO on Carry Pro and get a 10% discount for yourself, and tag me on Instagram when you buy the bag and share a selfie with me. Abhi chalein fatafat, chal ke fresh hote hain. Acha, by the way, one more thing. Main Kochi se Munnar bike pe aane ka plan kar raha tha, lekin silly me, stupid me, मैं अपनी सारी फिजिकल IDs डेली में भूल गया. मैंने एक पाउच रेडी करके रखा था, जैसे मैं हमेशा रेडी करके रखता हूँ, और मैं उसको पैक करना भूल गया. और कहीं भी बाइक रेंट करने के लिए उनको सिक्योरिटी के लिए आपका ओरिजिनल ID प्रूफ चाहिए होता है. कोई बात नहीं, बस में आ गया तो कोई सीन नहीं है. अब देखते हैं कैसे लोकली घूमना है. तो हॉस्टल आके सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कर ली, लेकिन चेक इन जो है वो 12 बजे है. 10:30 आ गया था और थोड़ा मैं हॉस्टल घूम रहा हूँ. काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्रिटी है. अब मैं बस ऐसे ही माउंटेन साइड पे बैठ के दिखाता हूँ. अभी काम कर रहा हूँ, अपनी रील्स एडिट कर रहा हूँ. अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @BAVA का हैंडल. 12 बजे चेक इन है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. अब फटाफट रील्स एडिट करना शुरू करते हैं. एंड बेड, पहले मेरे को ये वाला बेड दे रहे थे, बट मेरे को ऊपर वाला बेड नहीं चाहिए. एज फॉर अ लोअर बेड, तो अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है. दिस इज द डॉर्म रूम. 6 बेड्स हैं, 1 बाथरूम है, बैल्कनी है बिकॉज द व्यू इज नाइस, एंड दैट्स इट. अभी मैं अपना लगेज अंदर रखता हूँ. Okay, so I'm finally back in my room.
पहले से बहुत ही ज्यादा क्लीन है। मेरा बेड भी बन चुका है, as you can see. ये मेरा बेड है, बाकी सारे बेड्स अभी तक अनऑक्यूपाइड है। आई डोंट नो अगर कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप बिकॉज मेरे को बहुत नींद आ रही है। सुबह 5:30 की बस थी, उसके बाद आके मैंने रील एडिट करी और मैं उसके बाद सॉरी पाया, खाना खाया, बुक पढ़ रहा था। आई डोंट वॉन्ट टू ओवर एग्जर्ट माई सेल्फ बाई गोइंग आउट टूडे। सोने से पहले यू नो द रूटीन। ओके, सो यू नो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट मैन मैटर्स इन माई रिसेंट व्लॉग्स। आई हैव बीन यूजिंग देम फॉर द लास्ट 2 years फॉर माई वेलनेस, फॉर माई हेल्थ, एवरीथिंग, फॉर माई हेयर। द फ्यू कंपनीज आई हैव सीन विद द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉर्मुलेशंस। सो क्या होता है, यू कैन गेट फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन ऑन द वेबसाइट। तुम जाओ डॉक्टर से बात करो, उनको बताओ सो लेट्स से आपको हेयर का इशू है तो वो आपको बताएंगे। वो ऐसा भी नहीं होता कि वो आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे, क्या पता आपकी डाइट से सॉल्व हो जाए, आपको प्रोडक्ट रेकमेंड ही ना करें। बट ऐसा कभी होता नहीं है बिकॉज मॉडर्न डाइट के चलते कोई अपना ख्याल रख नहीं पाता। तो मैंने डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन ली, उन्होंने मेरे को 3 चीज़ें रिकमेंड करी थी। एक तो है मेरी टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल्स, इट हेल्प्स मी बूस्ट माई टी लेवल्स, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ती है। I have been doing way better in the gym. I have been doing way better in my fitness goals because of this. उसके बाद है मेरा favorite messages. मेरा favorite ये है, flavor wise ये है, but this is again very nice. This is ashwagandha gummies, nourish ashwagandha gummies. See, ashwagandha is known. लेकिन मेरे को ashwagandha के बारे में बताने की तो मैं जरूरत नहीं है. Ashwagandha is known to be very good for your overall health. It helps very much with stress and anxiety, जो आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा होती है, मेरे को तो बहुत होती है लगी हुई। Also helps in boost testosterone levels, इसके अंदर भी अश्वगंधा होता है। अब अश्वगंधा की प्रॉब्लम ये होती है ना कि बहुत ही बुरा टेस्ट करता है। This comes in candy like gummies, which is very easy to carry. मैं इसको अपने बैग के अंदर डाल देता हूँ ऐसे कैंडीज की तरह। इट इज़ अ गमी एंड टेस्ट सो डिलीशियस। द गेम चेंजर फॉर मी is this Nourish Hair Gummy Strawberry Flavor. आज कल ना, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, इतनी पॉल्यूशन है, इतना गंदा वेदर है, आई मूव्ड इनटू माय ओन प्लेस, मेरी डाइट मैनेज नहीं हो पाती इन एवरीथिंग, तो आपको बॉडी और हेयर के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जो आपकी बॉडी को चाहिए होता। सो दिस हेल्प्स मी मेंटेन माय हेयर। मैं तो इसको खाता हूँ लंच के बाद, इट्स वेरी इजी टू कैरी। द बेस्ट थिंग इज इट tastes amazing, strawberry flavor hai, which is my favorite. It is exactly like jelly. Ab bas isko kha lo. I don't like to chew it. I like to suck on it because strawberry ka flavor dheere dheere release hota hai. And the best thing is this has no added sugar. And this is 100% vegan. You have to give it time. Aap ek dabba loge 120 दिन चलेगा आपका ये, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बोलती है दिन में 2 खाओ 3 खाओ ताकि आपकी सप्लाई खत्म हो और फटाफट रीस्टॉक करो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू ओनली हैव 1 in a day. हैविंग 2 in a day इज मोर हार्मफुल देन स्किपिंग 1 in a day, ठीक है। तो दिन की बस 1 खाओ, क्योंकि रेगुलरली आपका वो बायोटीन, जिंक, मल्टीविटामिन रिलीज होते रहता है जो आपको बालों को रेगुलरली बूस्ट देता है। 90 days, गिव इट लाइक 90 days और अ फुल साइकिल एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आई हैव फ्रेंड्स एट मैन मैटर्स जिन्होंने 10% डिस्काउंट पॉसिबल करा है। यू कैन यूज बाबा 10 टू गेट एनीथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम मैन मैटर्स एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। एनीवे, अब मैं फटाफट जा रहा हूँ सोने। थैंक यू मैन मैटर्स फॉर कीपिंग मी फिट, कीपिंग मी हेल्दी एंड गुड नाइट। फक गिरा ही नहीं। तो अभी मैं ऑटो लेके मेन सिटी मुन्नार में आ गया था स्कूटी का रेंट देखने, बट मुझे कोई शॉप दिख नहीं रही। आई फील अगर आप लोकल मुन्नार घूम रहे हैं तो आपके पास अपनी कोई व्हीकल या फिर रेंटेड व्हीकल होनी चाहिए, बिकॉज जीप और ऑटो बहुत महंगा है। ऑटो और जीप दोनों हॉस्टल अरेंज करवा देते हैं शेयरिंग बेसिस पे। से ऑटो मेरे को मुन्नार सिटी तक 7 किलोमीटर है हॉस्टल से, मेरे को 250 रुपये में छोड़ा। और जो कल जीप सफारी है, शेयर जीप सफारी, वो कह रहे हैं 700 पर पर्सन, बट फिर उसमें सबका देखना पड़ेगा, सबको कहाँ रुकना है, अपने हिसाब से टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे आ गया था चल के, बिकॉज एक ये स्ट्रीम दिखा रहा था यहाँ पे। ओके गाइस, सो इन 1 more फेल्ड अटेम्प्ट आई वॉज नॉट एबल टू गेट स्कूटी ऑन रेंट बिकॉज आई डोंट हैव माई आई डी। देर वर ऑल्सो वेरी फ्यू स्कूटीज अवेलेबल
फॉर रेंट बिकॉज दशहरा और दुर्गा पूजा का लॉन्ग वीकेंड आज खत्म होता है विच इज वेंसडे। कल और आज लोग वापस जा रहे हैं तो स्कूटी रेंट पे नहीं है और मुझे खाई से नीचे नहीं गिरना, तो मैं रास्ता देख रहा हूँ साथ साथ, इधर खाई है। मैं ऑटो लेके वापस आ गया था बट आई गॉट टॉडी एंड मुन्नार स्पेशल चॉकलेट्स 375 रुपीस की 250 ग्राम पड़ी मेरे को, विच इज़ 125 ग्राम ऑफ वाइट एंड 125 ग्राम ऑफ नॉर्मल चॉकलेट। मैंने ऑटो वाले भैया को ऊपर ही रुकवा दिया था, मेरे को लगा कहाँ वो नीचे छोड़ने आएंगे फिर वापस आएंगे ऊपर इतने अंधेरे में, आई जस्ट वॉक। और टॉडी मेरे को 120 रुपए की 1 लीटर मिली, मुन्नार जो जोसल मुन्नार है उसके जस्ट ज़रा सा आगे ही 100 मीटर्स पे ही शॉप है। आई थिंक आई विल सी यू इन द मॉर्निंग टुमारो एंड आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। हाय, सो टुडे इज द नेक्स्ट मॉर्निंग, इट्स अराउंड 7:30 एंड हमारा डे 7 शुरू हो चुका है। तो अभी का अपडेट ये है, कल रात को मैं आ गया था वापस वही 7:30-8 बजे, टॉडी पी थोड़ी सी रह गई है एंड खाना खाया। खाना यहाँ का काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, तो चिकन टिक्का मसाला, चिकन करी है, वो सब भी है, तो मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा आफ्टर ईटिंग द गुड फूड आई हैव हैड इन कोझीकोड एंड कोची। यहीं से ना आपको जीप मिलती है 3,500 रुपये की, लेकिन वो जीप लेने का तब फ़ायदा अगर आप ग्रुप में हो ताकि आपका फेयर डिवाइड हो जाए फॉर साइट सीइंग गोइंग टू द टॉप व्यू पॉइंट, जो यहाँ का टॉप व्यू पॉइंट है उसके बीच में ही डैम आता है, टी एस्टेट आती है, ABC XYZ सब आता है। तो मेरे को 3,500 रुपये देने का तो कोई शौक है नहीं, तो मैंने एक 1,500 रुपीज़ का ऑटो करा लिया है विद 2 अदर पीपल। मैं अभी वही इंक्वायरी करने के लिए बाहर गया था, शिवा जो जिसने मुझे कल छोड़ा था उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वरना वो तो मुझको 1,000 रुपीज़ दे के ही वॉज टेकिंग मी अलोन। सो मैं उसमें खुश था कि मैं अपने साथ देख पाऊँ कुछ तो करें मुन्नार आके, मुन्नार आई वॉन्टेड टू बी अ रिलैक्स एक्सपीरियंस, बट लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। फटाफट नहाता हूँ, कुछ चाय पीता हूँ, कुछ खाता हूँ और फिर निकलते हैं साइट सीइंग के लिए। साइट सीइंग क्यों बोल रहा हूँ, मैं घूमते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे हम फोटो पॉइंट पे रुके हैं पीछे, तो अभी रास्ते में ये बोटैनिकल गार्डन आता है, एक काफी इंटरेस्ट बेस्ड है, जिनको भी प्लांट्स वगैरह का शौक है वो आ सकते हैं। तो ये शुभम भाई ने एकदम ठीक बताया कि मतलब पैसे बनाने की ये वो है, फैमिली आएगी 8 लोगों की, 50 रुपए की टिकट लेंगे और बस 400 रुपए खत्म, 2 मिनट की वॉक है बस, ऐसे गोल 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 घूम घूम के। फैक्ट ये है कि इतनी दूर आया तो कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो आई वॉज फीलिंग काइंड ऑफ एडवेंचरस, तो मैं कयाकिंग पे आ गया। शुभम एंड आस्थावर काइंड इनफ टू, उनको बोटिंग नहीं करनी थी, मैंने बोला 20 मिनट लगेंगे तो मैं कर लूँ क्या, तो मैंने बोला कर लो कोई बात नहीं है, अब तुम तो पूरे अपने एडवेंचर करो, हम थके हुए हैं। इट्स फेयरली ईजी, पहले मेरे को लगा हाथ दुखेंगे बट ऐसा नहीं है। ओह बाय द वे, इट्स 250 फॉर अ सिंगल कयाक फॉर 20 मिनट्स एंड 400 फॉर डबल। This is Echo Point. नहीं करेंगे हम तुझे समझाए। तो भैया अभी तो हम आ गए हैं टी प्लांटेशन के बीच में और इतना ज्यादा सुंदर है ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए बट अगर मुन्नार के टी प्लांटेशन सुंदर हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो टी प्लांटेशन हैं असम में शिलोंग में वो तो भैया आग ही लगा देंगे। ये थोड़ा ध्यान देना, जब आप प्लांटेशन से निकलोगे तो ये बहुत सारे कांटे लगे होंगे आपके बॉडी पे, और इनको निकाल लेना वरना पता नहीं कहाँ कहाँ लग सकते हैं, और शॉर्ट्स पहन के तो नहीं आना ज़्यादा अच्छा है।
सो इफ यू कैन सी वहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू टॉप स्टेशन तमिलनाडु दिस मेक्स द बॉर्डर। अच्छा हाँ वैसे मुन्नार बॉर्डर भी तो है तमिलनाडु और उसके। टॉप पॉइंट मुन्नार से आगे आगे एक्सट्रीमली ओवररेटेड। जो रास्ते में पॉइंट्स आते हैं टी गार्डन वगैरह एंड एको पॉइंट वहीं तक रुक जाओ वहीं तक बेस्ट है। यहाँ पे आके तो पूरी मार्केट लगा रखी है, पीछे देख लो कपड़े सूख रहे हैं, गंदगी इतनी है, बहुत पता नहीं लोग क्यों आके इतना गंदा करते हैं। और वो है बस वहाँ ऊपर जाके आप वैली देख सकते हो और जो रास्ते की वैली है वो तो मार्केट ने कवर कर दिया। अगर मुझे ये पता होता तो फिर मैं ना आता। तो अगर आपको पता है आप मत आओ, बाइक लो, अपनी गाड़ी लो, ऑटो लो, एको पॉइंट तक आओ, उसके आगे टी गार्डन है वहाँ तक आओ, यहाँ तक तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। देख लो भाई मार्केट मतलब सॉरी टॉप पॉइंट। भाई ये है व्यू है नहीं, ये है ना व्यू, मस्त व्यू है एकदम। तो जहाँ पे व्यू पॉइंट्स है वहाँ पे सारे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे ऑटो बीच में रोक के हम आ गए थे और मेरे पीछे पूरा टी स्टेट है। थोड़ी लाइफ की एक्सप्लोरेशन ना ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी केरला आके, और मैं एकदम क्लिफ पॉइंट तक जा रहा हूँ अकेले बैठने। वो रहा क्लिफ पॉइंट, वाह क्या बात है। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं होंगी कम ये तभी फासले। नेक्स्ट सुबह हो चुकी है, कल वापस आके मैंने बहुत फुटबॉल खेला, पूल खेला, थोड़े फ्रेंड्स बनाए और उनके साथ चिल करा और कुछ नहीं करा। एंड मैं ट्रैक करके ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है और ऑटो पुल नहीं कर सकता और मैं चप्पल दे आऊँ और मेरी फटी पड़ी है। एंड द ब्लॉग राइट है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, लेकिन बता जरूर देना कि क्यों अच्छी नहीं लगी। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए मैंने दे ऑल आर ट्रस्टेड बाई मी, आई यूज देम, सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रैप देम एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस टेक केयर, सी यू, वी आर स्टिल वॉकिंग, बाय।